हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरविंदर और आप देख रहे हैं डिजिटल हेल्प की वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं नेटवर्क के बारे में आपको इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि इस वीडियो के साथ ही हम नेटवर्क का एक ट्यूटोरियल शुरू करने वाले, नेटवर्किंग का एक ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पर, तो जिससे कि आप लोगों को नेटवर्क के बारे में अच्छे से पता चल जाए और नेटवर्क कैसे काम करता है या नेटवर्क होती क्या चीज़ है तो वो आपको पता चल जाए। तो चलिए मैं आपको नेटवर्क के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, नेटवर्क वो चीज़ है जैसे कि मैं आपसे मिला या आप अपने किसी फ्रेंड ग्रुप से मिले या फिर वो आपके जो दोस्त है वो किसी और फ्रेंड ग्रुप से मिले या फिर किसी और से मिले, तो ऐसे जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो एक नेटवर्क क्रिएट होता है। फिर हम, मैं आपको जानता हूँ, आप किसी और को जानते हैं, फिर मैं उसके थ्रू आपको जानता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही एक कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं या फिर हमारे जो मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, पर जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है दोस्तों, वो काफ़ी सारे, मतलब जो छोटे लैन मैन और वैन, इनसे, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, उससे जुड़कर एक वाइड एरिया नेटवर्क बनता है जिसे हम नेटवर्क कहते हैं, यानी, और जिसे हम इंटरनेट भी कहते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है। यानी कि जैसे कि आप गूगल चलाते हैं तो वो कोई बहुत बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, वो छोटे छोटे, मतलब जो नेटवर्क्स हैं, यानी कि जो लोकल एरिया नेटवर्क हैं या जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हैं, उनसे ही वो जुड़कर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना है और जिस पर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो कि हमारे सर्वर्स होते हैं मेन, तो वो एक दरअसल एक नेटवर्क से ही जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं छोटे छोटे लैन और मैन से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, क्योंकि मैंने आपको लैन और मैन के बारे में भी बता दिया और इस जो लैन मैन और वैन है उनके बारे में अगली वीडियो में आपको और अच्छे से डिटेल में और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।